सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। मैंने जब से CLC ज्वाइन किया था मैंने 1 साल प्रिपरेशन की CLC में। मैं स्टार्टिंग से था हाँ मेरे को करना है, मैं कर सकती हूँ। मैंने 11th 12th अपनी हैप्पी एवरग्रीन स्कूल से की थी। उस वक्त मैंने सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था। मैं इतना डेडिकेटेड भी नहीं थी कि मुझे नीट करना भी है लाइफ में। सो मैंने जस्ट टाइम ट्राई करने के लिए दिया था कि हाँ देखते हैं मेरी 11th 12th कैसी गई है। मैंने सिर्फ लास्ट ईयर का एग्ज़ाम इसलिए दिया था, ऐसे किसी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया था। इवन तो मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले ही CLC में एडमिशन की बात कर ली थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को नेक्स्ट ईयर CLC में एडमिशन लेना है। यहाँ पे आके काफ़ी मोटिवेटेड इन्वायरमेंट था। हर कुछ महीनों में बॉस ना कोई प्रोग्राम क्रिएट करते रहते थे, जिससे कोई डीमोटिवेट भी हो जाए तो जल्दी ही मोटिवेट हो जाता है वापस। सो लगातार, और यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। बायो देखिए तो काफ़ी NCERT बेस्ड है, तो आप अपने आप को इजीली जज कर सकते हो कि आप कहाँ पे हो। मैंने यहाँ पे लगभग सारे टेस्ट दिए थे, मैं बीच में टेस्ट मैंने छोड़े नहीं थे ज़्यादा। सो यहाँ की टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छी लगी, और सबसे अच्छा लगा कि बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा मोटिवेशन रुकता नहीं था। महीने भर में ही मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, बट बॉस कोई ना कोई प्रोग्राम करके दोबारा मोटिवेट कर ही देते थे। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। मैंने जब से CLC ज्वाइन किया था मैंने 1 साल प्रिपरेशन की CLC में। मैं स्टार्टिंग से था हाँ मेरे को करना है, मैं कर सकती हूँ। बेफालतू का स्ट्रेस ज़्यादा लेती नहीं थी, बस लग रहा तेरे बात तो लग जो होना है होता है। तो पता चला बच्चे चेहरे से बोलने से कि तनाव ना हो नहीं। थैंक यू पुत्र, बहुत अच्छा लगा।